चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, आदर्श कुमार, जिनके ऑल इंडिया रैंक 131 है, एनआईटी इलाहाबाद इनको अलॉट हुआ है। ये दरभंगा बिहार से हैं। तो आदर्श, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आदर्श के बारे में बताना चाहूंगा कि आदर्श ने ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की है ऑनलाइन, पर इनकी जो सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी बताएं। एक तो निमसेट के बारे में कब पता चला, फिर आपने कब से प्रिपरेशन की, क्यों ड्रॉप लेना पड़ा, मैं चाहूंगा ये सब चीजें आप डिटेल में बताएं, क्योंकि जब बच्चे ये इंटरव्यू देखते हैं तो कई बार अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यस सर। सर मैं सर 2020 के बैच से था सर, और उस टाइम मुझे निमसेट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था सर, तो फ्रेंकली एक बात है, और मुझे दोस्तों को भी उतना नहीं था। मैं DU से मैंने ग्रेजुएशन करी थी, फिर उसके बाद मैंने निमसेट का तो फॉर्म भरा नहीं था, बट JNU, BHU, महाराष्ट्र CET इन सब का फॉर्म भरा था, और एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मेरा निकल भी गया था उस साल। ठीक है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि उसमें एडमिशन ले लो करके, फिर मैंने सोचा कि सर ये तो लास्ट, एक तरह से आखिरी डिग्री, आपकी बात है सर, सुन सुन के मैं इन्फ्लुएंस हुआ था। आपने बोला था कि अगर आखिरी डिग्री है तो मतलब जितना मतलब अच्छा जगह से हो सके उतने अच्छे जगह से करना चाहिए लास्ट डिग्री। तो घर वालों ने तो बोला था कि ले लेने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अच्छी जगह से करने में ज्यादा फायदा है, तो इसलिए मैंने सर निमसेट के लिए एक साल सर ड्रॉप ले लिया था। और इस साल भी मैं सर 2020 के लिए मैंने ड्रॉप लिया था, तो साल जैसे कि कोरोना था मेरा, तो 2020 का जो और सब ज्यादा सब जो एग्जाम था JNU DU सबका वो आखिरी में जाके हुआ था, तो ड्रॉप का भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। 6 महीने का ही ड्रॉप था, वो सबसे बेस्ट बात था इस ड्रॉप का। और मैं सर आपसे 2020 में ही सर जुड़ चुका था मैजिकल कैप्सूल के थ्रू, तो आपका जो भी बताते थे वो मैं रिलेट कर पाता था। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी वो सबसे अलग मुझे लगती थी, तो मुझे मैथ सॉल्व करने में बहुत मजा आने लगा था सर उस टाइम। ठीक है। फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर आपसे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जुड़ा, मैं दिसंबर में जुड़ा था, मैं 3 दिसंबर को। ओके। उसके बाद नंबर तो सर ठीक ठाक बन जाती थी, बट ये सर कोरोना बहुत सही काम किया सर मेरे लिए, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैं सर अपने आप को बूस्टअप दे पाया एक मेरे नंबर्स में। मेरे नंबर्स पहले तो 400 साढ़े 400 आते थे, लेकिन जब ये कोरोना जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने प्रैक्टिस सर अपनी बढ़ा दी। आपने सर बोला था जैसे सर 38 जो टेस्ट सीरीज था वहां से 38 नंबर टेस्ट था वहां से 62 तक था, तो वो बोला था उसी को बार बार करो, तो मैंने सर उसे लगभग एक क्वेश्चन को मैंने 10 बार करा होगा सर उसमें, और लास्ट 10 ईयर्स तो जैसे याद ही हो गया था मुझे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, वो बात था। और सर इस बार क्वेश्चन पेपर हल्का डिफरेंट था, और सब उनका इसका पैटर्न हल्का सा अलग था निमसेट के जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो स्टार्ट किया था सर मैंने एग्जाम देना, तो स्टार्ट करके तो मुझे लगा था कि पहले जैसा ही होगा, पहला का पैटर्न होगा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन सर स्टार्ट क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, तो मैं सोचा कि पहले जो आपने ही बोला था कि पहले जो आए वो कर लो, उसके बाद मतलब कि जो ना आए उसे बाद में देखना, या देखना भी मत ऐसा करके। इसलिए मैंने स्टार्ट किया नंबर 1 से क्वेश्चन से, तो स्टार्टिंग के तो 3-4 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, लेकिन फिर होने लगे मुझे, मेरे कितने 32 अप्रॉक्स सही थे मैथ में, और 3-4 तो सर ऐसे गलत हो गए सर, मैं घर आके इतना पछताया सर उसके बारे में। बच्चों को कहना चाहता हूँ जो भी नेक्स्ट ईयर देंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वो टेंजेंट वाला क्वेश्चन था सर जिसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होते हैं, उसमें इक्वल टू के राइट साइड में इक्वल टू राइट साइड में नंबर दिया था 27, जो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाता -27, और उसमें फॉर्मूला में माइनस प्लस बन जाता, बस माइनस प्लस की वजह से मेरा एक वो क्वेश्चन गलत हो गया, और एक क्वेश्चन और था, एक मिड पॉइंट वाला वेक्टर का क्वेश्चन था जिसमें डिवाइड बाय 2 करना था, मैं वो एक डिवाइड बाय 2 करना भूल गया जल्दी जल्दी में, इस वजह से 30 नंबर कम हो गए। देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक से हमारे एकदम से स्कोर डाउन हो जाते हैं। यस सर यही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये तो सर बिल्कुल सही बात बोले आपने कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उनको क्या होता है कई बार हम जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं, पर ये मिस्टेक हमें कई बार बड़ी भारी पड़ती है सर, घर आके सर इतना सर वो होता है ना सर, इस मिस्टेक के बारे में सोच के नहीं आता, क्वेश्चन छूट जाता है उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन जो छूट जाता है तो घर आके बहुत बहुत अजीब आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए या गलत हो जाए, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बहुत ज्यादा। मेरा तो सर 7 तारीख को पेपर हुआ था मेरा, तो उस दिन तो मेरा मूड ऑफ था, बिल्कुल ही मूड ऑफ था, मैं सोच रहा था कि कितना 400 साढ़े 400 आ जाए बन जाए, लेकिन 8 तारीख को जब चेक किया तो मेरे 624 के अप्रॉक्स बन रहे थे, उसमें भी इस बार कुछ जो मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन थे इस बार गलती हो गए, हाँ। जो मेरे सही थे वो गलती हो गए, तो इसका तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं वैसे। नहीं, अगर आपके ये गलत नहीं होते तो शायद आप जो अभी 131 रैंक है, हो सकता 31 और या उससे भी और अच्छी रैंक होती, क्योंकि इस बार बड़ा कॉम्पिटिशन छोटे छोटे नंबर रहा है।
यस सर, यस सर, यस सर। मैं सर देख रहा था ना सर, जब स्टार्टिंग में मेरा तो रैंक कार्ड आ ही नहीं रहा था, तो मैं आपका ही लेक्चर देख रहा था, तो आपने आप जो लाइव आए थे उस दिन की कैसे कैसे रैंक है, तो एक एक नंबर दो दो नंबर के बीच में रैंक डिफर कर रहा था। हाँ, वही है। मेरा क्या कैसे होगा, फिर आपसे बात करी तो आपने बोला कि नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ मैं। और इस बार का रीजनिंग, रीजनिंग तो बहुत आसान था, इस बार का काफी आसान था, सही बात है, बहुत आसान था। और क्वांट तो था ही नहीं सर, मैं दो चीज मैथ तो नहीं करके गया था मैथ्स में, एक स्टैटिक्स नहीं करा था मैंने, और एक बाइनोमियल थोड़ा मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता। मैं सोचा कि इसको अगर लास्ट मोमेंट पे इस पे अगर मैं करूंगा तो और बाकी जो मेरा है वो बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए ये तो मैंने छोड़ दिया था। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आता है उसमें बेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एनीवे आदर्श, आप मुझे बताओ कि आपका ओवरऑल ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या जब आप दिसंबर से ऑनलाइन कोर्स से जुड़ गए? ऑनलाइन तो सर बेस्ट है मेरे लिए, तो ऑनलाइन तो मुझे बेस्ट लगा। पहले सर मेरा भी थिंकिंग ये था कि जाके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आज तक ऑनलाइन कभी करा नहीं था मैंने फिर, लेकिन जब आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स सर दिखता था ना सर, तो तभी से मुझे लग गया कि नहीं ऑनलाइन कोर्स अच्छा है। और ऑनलाइन कोर्स में आपका ये जो एप्लीकेशन का इंटरफेस था वो भी बहुत सही था। बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन कोर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे इम्पीटस गुरुकुल का ऑनलाइन कोर्स काफी अलग लेवल पे जाके अपन करते हैं कवर, क्लास जैसा फील आया वो पूरी मैं कोशिश करता हूँ, तो वो भी अंतर ही नहीं था सर। लाइव क्लास में तो कुछ पता ही चलता था कि सर लगता था कि बस डिजिटली आप सामने, और ऐसा कुछ डिफर लग ही नहीं आता, फिजिकल क्लास नहीं चल रहा है, रूटीन टाइप से बन गया था। और जैसे आपने बताया था, मैंने शेड्यूल बनाया था, उसका वॉलपेपर लगा लिया था मैंने कि आज के दिन में क्या करना है। ओके, तो ऐसे ही छोटे छोटे मतलब अपने वो बनाना चाहिए गोल्स कि आज क्या कंप्लीट करना है, कल क्या कंप्लीट करना है, तो उसमें सही रहता है। अच्छा आदर्श, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो लोग ड्रॉप लेने से डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? पहले तो सर ड्रॉप लेने से तो डरने का कोई बात नहीं है, ड्रॉप लेना अगर ऐसा होता कि इससे आपका मतलब कि बाकी जिंदगी खराब हो रहा है तो ड्रॉप लेना ये खराब होता, पर इससे तो आपका फायदा ही हो रहा है ड्रॉप लेने से, और अच्छा कॉलेज मिलने से तो और अच्छा ही होगा आपके जीवन में जो भी होने वाला है, तो ड्रॉप लेना कोई खराबी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ खुद पे भरोसा होना चाहिए, और होना चाहिए ड्रॉप लिया है तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस ड्रॉप ले लिया हो गया तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ड्रॉप लेके मेहनत तो करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही बात है कि ड्रॉप लेना अकेला सफिशियंट नहीं है, उसके बाद लगातार की गई मेहनत से ही रिजल्ट मिलता है, और जब तक कोई बच्चा अच्छे से मन लगा के मेहनत नहीं करेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता, चाहे वो क्लासरूम में पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े, चाहे सेल्फ स्टडी करे, पर अल्टीमेटली एक कीवर्ड है कि स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यस सर, और एक तो सर आपके साथ ये हो गया था, आपके साथ पढ़ते पढ़ते कि मतलब मेरे मन में ये हो गया था कि मेरा तो हो गया है सर, मेरा तो होगा ही सिलेक्शन, मेरे मन में ऐसा हो गया था, इतनी कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी एस्पिरेंट है, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि मेरा होगा ही तो होना फिक्स है, डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, तो इतना प्रैक्टिस सर आपके कोचिंग में सर हो गया मेरा कि मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया था, और कोविड ने एक बूस्ट दे दिया उस कॉन्फिडेंस को। चलो बहुत ही अच्छी बात है आदर्श, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। अब आप एनआईटी इलाहाबाद जाके भी ऐसी परफॉर्म करो और आगे बढ़ो, और उन जूनियर्स को और उन लोगों को जो मिसगाइड हो जाते हैं उनको हमेशा मोटिवेट करो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। ओके सर।